हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आज फिर मैं एक न्यू वीडियो के साथ, और स्टूडेंट तो वैसे पुराने ही हैं क्योंकि कई वीडियो शूट हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट का नाम जान लेते हैं, क्या नाम है और कहाँ से आते हैं और कितने डेज हो गए हैं और क्या कॉन्फिडेंस है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ड्राइविंग से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, मैकेनिकल से और सेकेंड हैंड कार से, वो हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख सकें। दोस्तों, आपको अगर मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कोई भी ड्राइविंग से रिलेटेड अगर आपको बात करनी है मेरे से, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे सेकेंड हैंड कार से हो, चाहे ड्राइविंग से हो, तो आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं। और बाकी एक मेरा सेकेंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर भी इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आप मुझे FB पे भी फॉलो कर सकते हैं, राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल के नाम से मेरा पेज बना हुआ है। दोस्तों, मैडम का नाम जान लेते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? रौनक। रौनक, कौन सा डेज है आज आपको ड्राइविंग करते हुए? एट डेज के अंदर क्या क्या सीखा है आपने अभी तक? मैंने फोर्थ गियर तक सीखा है। ओके, अभी कौन से गियर में चल रही हैं आप? अभी गाड़ी आपको लेफ्ट में रोकनी है, तो रोकने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? लेफ्ट का सिग्नल देंगे। पहले लेफ्ट का सिग्नल दो, साइड मिरर में देख के गाड़ी लेफ्ट दबाओ, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि लेफ्ट से आपके कोई निकल तो नहीं रहा। और लेफ्ट लेके आओ, पीछे देखो, गाड़ी तो नहीं है कोई। हाँ, बाइक आ रही। और लेफ्ट दबाओ, और चलो इसको वैन को क्रॉस कर लो। वैन को क्रॉस करके फिर कार को आपको लेफ्ट में रोकना है। हल्का लेफ्ट आ जाओ, राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए, ब्रेक पे। हाँ, और वाइट वाली लाइन पे आपका लेफ्ट वाला टायर होना चाहिए, वाइट वाली लाइन पे। हाँ, स्टॉप। रौनक, पहली बात तो आपका पूरा क्लच नहीं दबा है, ठीक है? अभी ढंग से क्लच ही नहीं दबा, इसको सही से दबाओ, पूरी ताकत लगा के पूरा। इसको कहते तो हील ऊपर क्यों उठ रही है, उसको नीचे चिपका के रखो, क्योंकि क्लच का ही मेन रोल होता है। अगर आपने पूरा क्लच नहीं दबाया तो गाड़ी, अभी देखो इंजन एकदम स्मूथ हो गया ना, आपने अभी इससे पहले जब दबाया था तो गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी, क्योंकि पूरा क्लच नहीं दबा था, गाड़ी गियर में थी। अभी वापस इसको बढ़ाना है तो क्या करना है आपको? ब्रेक पहले राइट का सिग्नल देना है, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को कंफर्म हो जाए कि ये गाड़ी वापस रोड पे आ रही है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट गियर करना है, क्योंकि गाड़ी आपकी सेकेंड गियर में है, तो सेकेंड गियर में कैसे मूव कर जाएगी, है ना? सबसे पहले जब आप कार बढ़ाते हो स्टार्ट करके, तो कौन से गियर में करते हो? फर्स्ट गियर। तो एक फर्स्ट गियर करो, गुड। अभी क्या रिलीज करोगे? ब्रेक, पहले ब्रेक, फिर धीरे धीरे क्लच, हाफ क्लच, इससे ज़्यादा नहीं। देखो गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, एक्सेलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। वापस पूरा क्लच दबाओ, फुल दबा के रखो, गाड़ी लेफ्ट लेके और राइट जा रही है। अभी आपने फुल क्लच दबा लिया और गाड़ी क्या हुआ? गाड़ी प्रॉपर रुक गई, स्टॉप हो गई, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ी। कि आपने गाड़ी थोड़ी सी बढ़ाई थी, हाफ क्लच लिया था, तो गाड़ी गियर में एक्टिव हुई थी। तो कहने का मतलब है कि जब आप फुल क्लच दबा लेते हो तो गाड़ी गियर में होने के बाद भी न्यूट्रल हो जाती है, इंजन का गियर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वापस मूव करने के लिए हाफ क्लच छोड़ना है, बस बढ़ गई। जितनी बार गाड़ी आप रोकोगे उसको फर्स्ट गियर में, अभी जैसे आपने रोका तो वापस वो फर्स्ट गियर में ऑलरेडी पहले से थी, तो वापस आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब गाड़ी सेकंड गियर या थर्ड गियर में हो, तो जब भी हम गाड़ी को वापस मूव करेंगे तो सबसे पहले हम उसको फर्स्ट गियर में करेंगे। अभी आप पूरा क्लच रिलीज कर दो प्रॉपर, चलो स्पीड बढ़ाओ, हाँ बढ़ाओ स्पीड, और एक्सेलेरेट करो थोड़ा सा, और राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर फटाफट, गुड। अभी देखो गाड़ी आपकी कहाँ पहुँच गई, देखा एकदम से बीचों बीच में आ गई, ये आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी ना। तो ये चीज़ भी हमें गियर चेंज करते टाइम हमको ये भी देखना कि हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग कहाँ जा रहा है। पता लगा आप लेफ्ट से धीरे धीरे राइट आ गए गियर चेंज करने, और उतने में राइट से कोई गाड़ी निकल रही थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया, बिड़ा दिया, क्योंकि गलती वहाँ पे आपकी होगी, क्योंकि पूरी गाड़ी आप राइट दबा रहे हो ना, वो तो सीधा सीधा आ रहा है। तो ड्राइविंग के टाइम हमको ये हमेशा ध्यान रखना कि हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग कहाँ जा रहा है, स्टीयरिंग चलती कार में लहराना नहीं चाहिए, ठीक है? अभी सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो यहाँ पे राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, हल्का सा ब्रेक पुश करो बिना क्लच के, क्लच नहीं लेना है। चार पांच स्पीड ब्रेकर हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी सेकंड गियर में है। सेकंड गियर में आप बिना
क्लच के हाफ ब्रेक ले सकते हो, देखो फिर गाड़ी आपकी बीचों बीच रोड पे आ गई। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि आप लर्नर हैं, अगर आप बीच बीच चलाओगे तो लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। किधर चलाना है गाड़ी आपको, तो गाड़ी लेफ्ट लेके आओ अपनी, और लेफ्ट लेके आओ। देख रहे हो बाइक वाले ओवरटेक कर रहे हैं आपको, क्यों? क्योंकि आपने उनको जगह दे रखी इतनी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। ऐसे चलनी चाहिए अभी जैसे चल रही है। अगर इतना दबा के लेफ्ट रखोगे तो क्या आपको पीछे से कोई हॉर्न देगा? क्योंकि ऑलरेडी आपने इतनी जगह छोड़ रखी है कि ट्रक भी पीछे से निकल जाएगा, और जब आप बीच में चलाओगे तो लोग, बाइक वाले, कार वाले, सभी लोग आपको हॉर्न देंगे। तो जितना आप लेफ्ट दबा कर, बस इधर नहीं जाना है लेफ्ट में, वो बाइक साइकिल के लिए लाइन है, इस लाइन में रखना है। जितना ज़्यादा आप लेफ्ट रखोगे उतना सेफ रहोगे लर्नर के लिए। अगर आप 40 प्लस चलोगे तो राइट साइड में चलोगे, 40 माइनस चलोगे तो लेफ्ट वाली लाइन में, क्योंकि अगर राइट में चलोगे, स्लो चलोगे, तो कोई भी आपको लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करेगा। वो हमेशा राइट से ओवरटेक करना भी राइट से चाहिए। अभी स्पीड बढ़ाओ और बढ़ाओ, 30 प्लस जाओ, उसके बाद क्लच दबा के थर्ड गियर डालना है। चलो और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ और 30 प्लस जाओ। अब राइट वाला लेग ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेंटर में थर्ड गियर ऊपर। क्या करते हो आप, क्या किया ये आपने? ब्रेक दबा, क्लच क्यों नहीं दबाया? क्लच ही नहीं दबाया, कहाँ से गियर लग जाएगा? चलो सेकंड गियर कर लो। देखो गाड़ी रुक गई है बीचों बीच रिंग रोड पे, रोक दिया आपने, पीछे से कोई भी ट्रक वाला आगा उड़ा देगा। क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? ये कौन सा गियर डाल दिया आपने? ये कौन सा गियर डाल दिया? क्यों क्यों सेकंड डाला आपने? स्टार्ट करना तो फर्स्ट सेकंड। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं? 8 डेज के अंदर ये इस तरीके से आप कंफ्यूज होगे तो फिर कैसे चलेगी गाड़ी? कंफ्यूज नहीं होना है। जब अभी आपने गियर चेंज किया कर रहे थे तो आपने क्लच क्यों रिलीज कर दिया था? जब तक क्लच पूरा दबा के रखना, जब तक आप प्रॉपर गियर को चेंज ना कर दो। वहाँ पे आपने दो मिस्टेक करी, एक तो राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा लेकिन उसके बाद ब्रेक भी दबा दिया। तो जब हम स्पीड गियर चेंज करेंगे तो स्पीड बढ़ा के करेंगे, घटा के करेंगे? जब हम बढ़ा के करेंगे ना, फर्स्ट गियर की 10 to 20, सेकंड 20 to 30, थर्ड 30 to 40, फोर 40 to 60, फिफ्थ 60 प्लस। अभी इंजन क्या कह रहा है? सेकंड गियर करो क्लच दबा के और फुर्ती से किया करो, जल्दी जल्दी खींच के। हाँ ऐसे, इस बार देखो आपने पूरा क्लच दबाया, गियर कितना स्मूथ लगा, लगा कोई दिक्कत हुई? इससे पहले क्या कर रहा था, गियर नहीं लग रहा था, आवाज़ भी आ गई थी गियर बॉक्स से, कट 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 की आई थी, गियर बक्सा डैमेज हो जाता है। ऐसे पूरा क्लच तब तक दबा के रखना जब तक गियर का प्रोसीजर कंप्लीट ना हो जाए, जैसे इस बार आपने किया। और जब हम ब्रेक पे पैर रखते हैं तो ब्रेक पे पैर रखने का एक बहाना होता है ताकि एक्सेलेटर से हम पैर हटा सकें, ताकि एक्सेलेटर और ब्रेक का हैबिचुअल हो जाए पैर चेंज करने का। अगर ब्रेक दबा दोगे तो क्या होगा, गाड़ी आपकी ऑलरेडी स्पीड कम थी और कम हो जाएगी, गाड़ी बंद हो जाएगी। अभी आगे से राइट जाना है, राइट का सिग्नल दो, साइड मिरर में देखो अपने कौन सी गाड़ी आ रही है। हाँ, और राइट वाला पैर कहाँ आएगा आपका? ब्रेक पे, दबाना नहीं है ब्रेक पे, सिर्फ रखना है गोल चक्कर को घुमा के, फिर राइट टर्न करना है। हाँ, जो भी गलतियाँ होनी 15 दिन के अंदर आप कर लो, जितनी गलतियाँ करनी है। जब अपनी कार चलाओगे तो ये गलतियाँ होंगी तो दिक्कत हो जाएगी। ब्रेक पे पैर, हाफ ब्रेक दबाओ, अब यहाँ से राइट जाना है। वापस सीधी करो फटाफट, लेफ्ट आओ, सिग्नल दो लेफ्ट का, ब्रेक पे पैर, यहाँ एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है रौनक, और ब्रेक दबाओ थोड़ा सा, इधर लेफ्ट चलना है, लेफ्ट आओ, हाँ थोड़ा सा लेफ्ट, ब्रेक लो हल्का, ढलान है यहाँ पे, राइट को थोड़ा सा स्पीड कम, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको एक्सेलेटर को टच ही नहीं करना है। ये पूरा जो चौराहे का रोल था यहाँ पे आपको एक्सेलेटर की कोई नीड ही नहीं थी, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी आपकी सेकंड गियर में थी, सेकंड गियर में बगैर एक्सेलेटर कितनी स्पीड रहती है? सेकंड गियर में आप बिना एक्सेलेटर के कितनी स्पीड में चल सकते हैं? 10 से 20 के आसपास रहता है, मतलब 15 की स्पीड तो रहती ही रहती है। तो 15 की स्पीड टर्निंग के लिए सही है या गलत है? तो फिर वहाँ पे आपका ब्रेक पे पैर होना चाहिए था, नहीं एक्सेलेटर पे होना चाहिए था, नहीं होना था, ब्रेक पे होना चाहिए था।
ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी 2-3 दिन बाद जब अपनी आप कार चलाओगे, अगर ये गलतियाँ होंगी तो क्या होगा, फिर क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी, वायरल हो जाओगे। वायरल तो हो ही चुके हो, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है, दिन में 1-2 बार इसको ध्यान में रखा करो, हो सके तो 1-2 वीडियोज़ देखा करो, ताकि आपको अपनी गलतियाँ समझ में आ जाएं। अभी तक कितनी वीडियोज़ देखी है आपने? 20, 25, 20। क्यों, अगर 50 देख लेते तो कुछ नुकसान था? लेफ्ट आ जाओ, और लेफ्ट, आगे सीधा जाना है, फिर थोड़ा रिवर्स करना, लेफ्ट आओ, एकदम चिपका के रखो गाड़ी लेफ्ट, राइट वाला पैर ब्रेक पे, आपका एक्सेलेटर पे ज़्यादा रहता, और लेफ्ट आओ, उस पेड़ के पास रुकना है, और लेफ्ट आओ, जाने दो धीरे धीरे, लेफ्ट आओ, हाँ, फुल क्लच, धीरे से ब्रेक, फुल क्लच दबाया आपका, फुल, अब दबाया, देख रहे हो, हाइट का थोड़ा फ़ायदा उठाओ, ठीक है, इसको न्यूट्रल करो। अभी कौन सा गियर डालोगे? सेकंड, नहीं, अभी मैंने क्या बताया था, बताओ, रिवर्स करने को, हाँ, तो रिवर्स में कौन सा गियर डालता है, तो सेकंड थर्ड कहाँ से आ गया, तो आगे भी अगर जाना होता तो कौन सा गियर डालती, फर्स्ट डालती, तो सेकंड थर्ड का मतलब नहीं है, रिवर्स गियर डालो, गुड। अभी क्या करना है, राइट वाले पहले साइड मिरर में देखो क्या सिचुएशन है, लेफ्ट वाले में देखो, लुकिंग ग्लास में, इसको सेट ही नहीं किया आपने, हमको ना देखो, पीछे देखो, पीछे दिख रहा है, अब आपको क्या करना है, ब्रेक को रिलीज करना है, पैर आपका ब्रेक पे ही रहेगा, ठीक है, हाफ क्लच छोड़ो, बस इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और, बस गाड़ी मूव करना स्टार्ट कर गई, धीरे धीरे जा रही गाड़ी, बस पीछे देखता, राइट काटो हल्का, राइट स्टेयरिंग, और काटो राइट, और बस लेफ्ट आओ फटाफट, जल्दी जल्दी लेफ्ट आओ, जल्दी 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 जल्दी, हाँ, राइट काटो राइट, और राइट काटो, और बस ये ऐसी सीधी रहनी चाहिए यहाँ पे, जाने दो धीरे धीरे, हाँ, देख रहे हो, दोनों लड़कियों की जान सूख रही है, बेचारी बैठी है पीछे, हल्का राइट रखो राइट, जाने दो धीरे धीरे, गुड, हॉर्न जाओ धीरे धीरे, हाँ, हल्का लेफ्ट आओ, हाँ, हल्का राइट, गुड, हल्का सा लेफ्ट, हल्का राइट, हल्का लेफ्ट, हाँ, जाओ धीरे धीरे, राइट काटो थोड़ा सा, बस वापस लेफ्ट आओ, बस और लेफ्ट, बस ये सीधी स्टीयरिंग जाने दो, हल्का लेफ्ट आओ, हल्का हल्का रोड मुड़ रहा है, और लेफ्ट आओ, राइट रखो हल्का, और राइट, और राइट, और राइट, और थोड़ा राइट, और गुड, वापस लेफ्ट आओ हल्का, बस जाने दो धीरे धीरे, राइट ऑफ कॉल का राइट, और हाँ, जाने दो धीरे धीरे, हल्का लेफ्ट आओ, हाँ, वापस लेफ्ट आओ, बस राइट ऑफ को, पूरा क्लच और ब्रेक फुल, बस अब इसको क्या करना है, आगे ले जाने के लिए क्या करोगे रौनक, आपका पूरा क्लच नहीं दबाया, देखो गाड़ी अभी गियर में एक्टिव है, अब पूरा दबा, अब इसको कौन से गियर में करना है, फर्स्ट गियर में करो, हो गया, अभी क्या पहले रिलीज करना है, ब्रेक छोड़ें, ब्रेक छोड़ो पहले, अब धीरे से क्लच, बस इससे ज़्यादा नहीं, गुड, बढ़ गई गाड़ी, वापस फिर पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक, गुड, फिर ब्रेक छोड़ो, फिर हाफ क्लच छोड़ो, बस हाफ से ज़्यादा नहीं, बस स्टीयरिंग लेफ्ट की तरफ टर्न करो, बस जाने दो, इसको कहते हैं बम्फर टू बम्फर, जब ट्रैफिक में हम कार को चलाते हैं, रेड लाइट पे रोकना बढ़ाना वहाँ एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ गाड़ी क्लच और ब्रेक से चलती है, क्लच को रिलीज करो, बढ़ रही है, वापस हल्का लेफ्ट आओ, वापस लेफ्ट आओ, पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक मारो, स्टॉप, रुक गई, फिर ब्रेक छोड़ो, हाफ क्लच, बस इससे ज़्यादा नहीं, हर गाड़ी का क्लच अलग होता है, किसी में 50% क्लच रिलीज़ करने से गाड़ी मूव करती है, किसी में 90%, किसी में 70%, वो डिपेंड करता है कि गाड़ी का क्लच किस तरीके से सेट है, ठीक है, हल्का लेफ्ट आओ, बस यहाँ पे पूरा क्लच दबाओ और रोको, एक मिनट न्यूट्रल करो गाड़ी। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एक मिस्टेक आप करते हो, ये देखो इसमें पैटर्न बना ना, आप क्या करते हो, गियर जैसे आपने यहाँ डाला और आप इधर से न्यूट्रल करने, ऐसे नहीं, जिस रास्ते से आप जाओगे, देखो एक बार, न्यूट्रल है, लेफ्ट पहला,
लेफ्ट ही दबा के डायरेक्ट सेकंड, फिर लेफ्ट ही दबा के ये न्यूट्रल, फिर सेंटर में छोड़ दिया ये जहाँ पे आ गया ये थर्ड, उसी के सामने अपोजिट फोर्थ, फिर न्यूट्रल, फिर राइट जाके फिफ्थ, फिर न्यूट्रल, फिर ये रिवर्स। आप क्या करते हो, अभी आपने रिवर्स गियर डाला था, फिर रिवर्स डाला यहाँ से, आप निकाल यहाँ से रहे थे, तो जिस डायरेक्शन से क्लच दबाओ पूरा, जिस डायरेक्शन से आप जिस तरफ से जाओगे उसी तरफ से वापस आओगे। अभी एक बार करके दिखाओ, कौन सा डाला जाता है first. हाँ गुड, सेकंड हो गया, हाँ थर्ड, हाँ सेंटर में थर्ड हो गया, उसी के सामने फोर्थ है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, गुड, राइट ले जाओ पूरा रिवर्स, हाँ यही, अब न्यूट्रल करो, ठीक है। ये तरीका होता है, इससे पहले आप क्या कर रहे थे, गियर तो डालते थे डायरेक्शन से वापस लाने के लिए, कंफ्यूज हो रहे थे, और जो आपने वहाँ पे आज रिंग रोड पे गाड़ी बीचों बीच में रोकी थी, वो पीछे से पता लगा कोई बड़ी गाड़ी वहाँ रोकने का कोई रीज़न ही नहीं था, और जब आपने गियर चेंज कर रहे थे तो आपने राइट वाले पैर से ब्रेक दबा दिया था, अभी ब्रेक का रोल नहीं है कोई, आप ब्रेक छोड़ सकते हो, क्लच भी छोड़ सकते हो, क्योंकि गाड़ी न्यूट्रल हो चुकी है, ठीक है। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।